हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, सी इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। इफ का ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो, और इसमें हम बेसिकली क्या लिखते हैं, कंडीशन। देयर आर द फॉलोइंग वेरियंट ऑफ इफ स्टेटमेंट, या तो सिंपल इफ लिखिए या इफ के साथ एल्स लिखिए। इफ एल्स लैडर होता है और नेस्टेड इफ होता है। तो पहला देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक, एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग बना के हम सीखते हैं। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग से ही आपको आएगा, थ्योरी से तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। यहाँ हम मल्टी लाइन कमेंट लिख रहे हैं, इफ एग्जाम्पल। ठीक, तो कमेंट किस लिए लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको बता ही चुके हैं, बस डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने यहां पर लिखा इंट यक्स इक्वल टू। ठीक, फिर हमने लिखा इफ यक्स इज ग्रेटर देन वन, यक्स इज ग्रेटर देन वन, प्रिंट ऑफ हेलो। ठीक, सिंपल सा हमने कोड लिखा। हमने सबसे पहले क्या लिखा, इंट x इक्वल टू, x की वैल्यू 2 इनिशियलाइज कर ली, और इफ के अंदर हम कंडीशन आके दे रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, वन x इज ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू क्या है, 2। x की वैल्यू 2 है, यहां पर x की जगह क्या कंसीडर किया जाएगा, 2 कंसीडर। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ऐसे रन होगा, इफ और x की जगह क्या कंसीडर हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन, कंपाइलर इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, क्या 2 1 से बड़ा है, यस 2 1 से बड़ा है। अगर 2 1 से बड़ा है तो इफ के बाद जो लाइन हम जस्ट अगली लाइन लिखेंगे प्रिंट ऑफ, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आउटपुट हमारा क्या आएगा, हेलो। देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है हेलो। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस भी हम लगाते हैं ऐसे, लेकिन अगर इफ के बाद सिर्फ आप एक लाइन लिखते हो, सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइन, हमने क्या लिखी हुई है, हमने यहाँ पर सिंगल लाइन लिखी हुई है। देखिए हमने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, तो कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी नहीं है। आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए चाहे ना लगाइए, तब भी प्रोग्राम रन होगा। देखिए रन हो रहा है हेलो। अगर हम इस कर्ली ब्रेसेस को हटा भी दें, ठीक, हटाने के बाद फिर हम F11 प्रेस करें, ठीक, तब भी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। क्यों रन हो रहा है, हेलो आ रहा है, क्योंकि अगर इफ के बाद आप सिर्फ एक लाइन लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर एक खेल देखिएगा, हमने एक और लाइन लिख दी, हमने लिख दी प्रिंट ऑफ, और इसमें लिख दिया हमने हाय। अब बताइए जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, एक्स की वैल्यू है 2, फिर से यहाँ कंडीशन चेक होगी, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 1 से बड़ा है, यस 2 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होते ही इफ के बाद वाली जस्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि जब आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक लाइन इफ के अंदर मानी जाती है। ठीक, तो प्रिंट ऑफ के अंदर क्या मानी जाएगी, हेलो, हेलो तो प्रिंट होगा ही होगा, हाय भी प्रिंट हो जाएगा। क्यों हाय प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट ऑफ प्रिंट करने के बाद कर्सर अगले प्रिंट ऑफ की तरफ आएगा, और अगले प्रिंट ऑफ में कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल हाय है, और हाय कोई क्या कर देगा, हेलो हाय दोनों प्रिंट कर देगा। देखिए हेलो के बगल में हाय प्रिंट किया, क्योंकि हमने यहाँ स्लैश एन नहीं लगाया है, स्लैश एन लगाने से लाइन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर एल्स लिख दें, एल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एल्स का कॉन्सेप्ट है कि जब इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी, एक्स क्या है, 2, एक्स की वैल्यू 2, 2 एक से बड़ी है, यस कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब सिर्फ क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा।
ठीक। अब इसके बाद हम एक और लाइन अगर यहां पर लिख दें, ठीक, तो आ जाएगी एरर। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा क्यों आ जाएगी एरर, क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया हुआ है और हमने इफ के बाद दो लाइन लिख दी है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इफ के बाद सिर्फ एक लाइन इसके अंदर मानी जाएगी, कंसीडर की जाएगी। देखिए, एक्स की वैल्यू है 2, 2 एक से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट होगा? प्रिंट ऑफ हैलो। ठीक, हैलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? हैलो के बाद हाउ आर यू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन इफ के बाद हमने यहाँ एल्स लिखा हुआ है और इफ के साथ एल्स अटैच होता है, उसके बीच में कोई दूसरी लाइन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये प्रिंट ऑफ लिखने का मतलब ये एल्स बिना इफ के हो गया। ठीक, इससे पहले जब हमने एल्स नहीं लिखा था तो सिंपल दोनों लाइन हाय हेलो और हाय प्रिंट हो गया था, लेकिन एल्स लिखने के बाद अगर आप इफ के बाद एक से ज्यादा लाइन लिखते हैं तो दोनों लाइन को एक साथ इफ के में जोड़ने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब भी आप इफ यूज करिए, अगर आपको सिर्फ एक लाइन इफ के अंदर रखनी है तो जरूरी नहीं है कर्ली ब्रेसेस लगाइए, लेकिन अगर एक से ज्यादा लाइन आप इफ के साथ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी हो जाएगा। देखिए, हेलो प्रिंट हो रहा है और हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है। ठीक, हेलो प्रिंट हो रहा, हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है, एल्स नहीं प्रिंट हो रहा है। एल्स कब प्रिंट होगा? जब कंडीशन ये फॉल्स होगी, जैसे एक्स की वैल्यू है 2, ठीक, एक्स की वैल्यू है 2, 2 की जगह हम क्या रख दें? 1 रख दें। तब जब अगर हम 1 रख देंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, 1 इज ग्रेटर 1, एक एक से बड़ा है? नहीं, एक एक से बड़ा नहीं है, एक एक के बराबर है, इसलिए कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब इफ के अंदर कंडीशन कोई फॉल्स होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स होगा, और एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है? हाय। तो एल्स में हमने क्या लिखा हुआ? हाय। देखिए, एल्स में हमने लिखा हुआ है हाय। एक्स की वैल्यू हमने 1 कर दी, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स, एक एक से बड़ा नहीं है, एक एक के बराबर है। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा? हाय। प्रिंट ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स जब एग्जीक्यूट होगा तो एल्स में हमने क्या लिखा हुआ? हाय। प्रोग्राम रन कराते हैं, आउटपुट आएगा इसका हाय। देखिए, आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इफ और एल्स में। ठीक, ये बहुत ही नेसेसरी होती है बात जो लोग नहीं जानते कि कब कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। एल्स के बाद भी आप कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक ही लाइन लिखी थी इसलिए नहीं यूज कर रहे थे। जब आप मल्टीपल लाइन लिखेंगे, एल्स में भी एक से ज़्यादा लाइन लिखेंगे, तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक, तो अगर एक ही लाइन लिखना है तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन उसके अंदर रहेगी, जरूरी नहीं है लिखिए चाहे ना लिखिए। और इफ के अंदर अगर आप मल्टीपल लाइन लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है, वरना एक लाइन के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी नहीं है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इफ के साथ एल्स यूज करना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी का मतलब समझ लीजिए, कंपलसरी का मतलब होता है प्रोग्राम एरर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इफ के साथ हमने एल्स हटा दिया, ठीक, प्रोग्राम रन कराएंगे तब भी रन हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहां पर अगर हम 2 दे दें, अब रन कराएं, तब आउटपुट आएगा हेलो हाउ आर यू। देखिए आउटपुट, क्योंकि कंडीशन अब क्या हो गई? ट्रू हो गई। इफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।